भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि इस रविवार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ने की सोच रहा हूं। आप सभी को पोस्ट करता रहूंगा। उन्होंने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट से बड़ी सनसनी फैल गई है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में सोशल मीडिया को काफी बढ़ावा दिया है। भारत में जिस तरह से सोशल मीडिया की लोकप्रियता बढ़ी है, उसे देखें तो सबसे ज्यादा योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। यहां तक कि सेल्फी खींचने का भी जो ट्रेंड है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है। प्रधानमंत्री ने इसे छोड़ने की बात कही है, लेकिन हो सकता है कि वे कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आए। हो सकता है कि भारत सरकार की ओर से कोई नया प्लेटफॉर्म लाया जाए। इसका सबको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा चौंकाने वाले कदम उठाते हैं। अगर वे सोशल मीडिया से ट्वीट करते हैं, तो संभव है कि देश विदेश के लोगों से जुड़ने के लिए कोई इनोवेटिव आइडिया का ऐलान करें। इसी बीच अब खबर ये आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया से संन्यास लेने का खुलासा आखिरकार कर ही दिया है। पीएम मोदी ने सोमवार को एक ट्वीट कर कहा कि वह सोशल मीडिया छोड़ने की सोच रहे हैं। आज पीएम मोदी ने एक अन्य ट्वीट में इसके पीछे का कारण भी बता दिया। उन्होंने कहा कि वह महिला दिवस के दिन अपना सोशल मीडिया अकाउंट महिलाओं को देना चाहते हैं। अब पीएम ने ट्वीट कर कहा कि 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर वह अपना अकाउंट महिलाओं को देंगे, जिनका जीवन हमें प्रेरित करता हो। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि हम महिला दिवस के दिन मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट ऐसी महिलाओं को देना चाहता हूँ, जिनकी जिंदगी और काम हमें प्रभावित करता हो। इससे वे लाखों लोगों को प्रेरित कर सकेंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि दुनिया भर में शायद कम ही राजनेता होंगे जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस तरह बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया होगा। अमित मालवीय ने कहा कि प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं, इस बारे में अभी अटकलें लगाना उचित नहीं होगा। सोशल मीडिया हमारे समाज का प्रतिबिंब है। वहां अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है, इसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट से लोगों में हैरानी है। उनके ट्विटर हैंडल पर लोग पोस्ट कर उनसे ऐसा ना करने की गुजारिश कर रहे हैं। कुछ ट्वीट में यह भी लिखा गया है कि उनकी वजह से ट्विटर से जुड़े, इसलिए वे सोशल मीडिया छोड़ने का फैसला ना लें। ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5,33,00,000 और फेसबुक पर 4,45,00,000 फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 3,52,00,000 है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर वे कोई नया प्लेटफॉर्म लेकर आते हैं, तो क्या देखते देखते इतने फॉलोअर्स वहां शिफ्ट हो जाएंगे? दुनिया भर के नेता जो नरेंद्र मोदी से सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, क्या वे भी नए प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाएंगे? इन सब अटकलों पर रविवार के बाद ही विराम लग पाएगा। भारत में सोशल मीडिया को लेकर काफी क्रेज है। भारत में स्मार्टफोन करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि करोड़ों लोग जब स्मार्टफोन उपयोग करते हैं, नए ऐप डाउनलोड भी करते हैं। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी कोई नया आइडिया लेकर आ भी सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.